मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात, बड़े बड़े शायरों के किस्से उसमें मौजूद है। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद सौदा और मिर्ज़ा गालिब। हाल ही में मैं वो किताब पढ़ रहा था और मिर्ज़ा सौदा का एक किस्सा जो है, या लतीफ़ा कहिए, मेरी नज़र से गुजरा। तो वो कुछ यूँ है कि एक बार जब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शोहरत हुई और दूर दूर तक उनके चर्चे होने लगे, तो शाह आलम, जो उस वक्त मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे, उन्होंने बुला लिया मिर्ज़ा सौदा और उन्हें वक्तन फवक्तन अपनी गज़लें जो हैं वो इस्लाह के लिए भेजा करते और उनसे फरमाइशें किया करते। एक दिन मिर्ज़ा सौदा और शाह आलम ऐसे टहल रहे थे और शाह आलम ने सौदा से पूछा कि भाई सौदा, एक बात तो बताओ कि तुम एक दिन में कितनी गज़लें कह लेते। तो इस पर सौदा ने जवाब दिया कि जब तबीयत उस तरफ माइल होती है तो 3-4 शेर कह लेता हूँ हजूर। तो शाह आलम ने जवाब दिया कि भाई मेरा तो ऐसा है कि मैं तो पाखाने में भी 3-4 गज़लें कह लेता हूँ। तो सौदा थे हाजिर जवाब, उन्होंने बेसाख्ता जवाब दिया कि हुजूर, इसीलिए आपकी गज़लों से ऐसी बदबू भी आती है।